तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कंपैरिजन करना है अरेनियस इक्वेशन और जो क्वेश्चन में आपको गिवन है ना। तो गिवन में देखिए क्या दिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोइंग रिएक्शन आपको दिया है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है के इक्वल टू 4.5 है ना इंटू 10 के पावर में 11, और यहाँ से e के पावर में दिया है कितना -28000, और डिवाइड में यहाँ पर दिया है टाइम और k लिखा हुआ है यहाँ पर है ना। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये मान लेते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसा ही आपका अरेनियस इक्वेशन होता है ना, अरेनियस। तो अरेनियस इक्वेशन क्या होता है अगर हम इसकी बात करें, तो अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, के इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल के पावर में क्या होता है -ea/RT, ठीक है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ये अरेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन आपने किया होगा तो ये इक्वेशन आया था। अब इसी दोनों इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं कंपेयर करूँ, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को आप अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ से क्या के बराबर है, दैट मीन्स यहाँ से ये जो वैल्यू है ई के पावर में वो क्या होगा, इसी के बराबर होगा, क्योंकि टाइम तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, सॉरी टेम्परेचर तो दिया हुआ है। तो इन्हीं को बस इक्वल कर दीजिए, और आप क्वेश्चन में आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ही रहा है तो यहाँ से हम वही करने वाले हैं। तो -ea/R है ना, टेम्परेचर तो कैंसिल आउट हो जाए, इक्वल टू माइनस आएगा 28000, और डिवाइड में टेम्परेचर है वैसे यहाँ पर भी टेम्परेचर आएगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो ई के वैल्यू जब निकालेंगे एक्टिवेशन एनर्जी तो हो जाएगा आर इंटू 28000, और आर की वैल्यू आपको पता है कितना 8.314, और ये 28000 को आप, तो 28000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आंसर आएगा 232 है ना, 792 ये आ जाएगा जूल पर मोल, और आंसर आपको किलो जूल में दिया तो बस 1000 का डिवाइड कर दीजिए तो 232.792 किलो जूल पर मोल आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो रिएक्शन को इक्वेशन को कंपेयर करना है, बस वही सॉल्व करना था इस क्वेश्चन में। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है 3.27, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवेन है और क्या अपने को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है द रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवेन बाई द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, लॉग के इक्वल टू 14.34 - 1.25 × 10⁴, ठीक है, अपॉन टेम्परेचर, ये के मतलब केल्विन है, कैलकुलेट ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन एंड व्हाट टेम्परेचर विल हाफ पीरियड ए बी 256 मिनट। ओके, इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, देन आल्सो फाइंड द टेम्परेचर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है ना, क्वेश्चन में एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है, और इक्वेशन क्या है, लॉग के इक्वल टू 14.34 - 1.25 है ना इंटू 10⁴, और अपॉन में यहाँ पर टेम्परेचर दिया, केल्विन दिया, ये टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं, केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको गिवेन है और हमें अरेनियस इक्वेशन से इसको कंपैरिजन करके एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो आपको अरेनियस इक्वेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, फॉर्मूला एट टी टेम्परेचर पे लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और यहाँ पर होता है 1 बाई
ओके अब ये सपोज हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और अरहेनियस जो इक्वेशन है ये अपना बन गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को कंपेरिजन करके अपने को एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो लॉग के बराबर लॉग ए की वैल्यू 14.34 है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर वन बाई टी इसमें भी है और वन बाई टी इधर भी है, तो इन दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1.25 इंटू 10 के पावर 4, ओके, और डिवाइड में क्या दिया है यहाँ पर टेम्परेचर इक्वल टू अरेनियस इक्वेशन में क्या है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर और 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस और इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब हमें क्या करना है, आर की वैल्यू, तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.25 इंटू 10 के पावर 4 इंटू 2.303, है ना, इंटू आर की वैल्यू होता है 8.314, ओके। और इसको जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगा 239.3, है ना, जूल पर केल्विन पर मोल आएगा। और अगर आपको किलो जूल में आंसर चाहिए तो इसमें 1000 का डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा 239.33 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो गया जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था। ओके, अब हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, तो वो कैसे करेंगे, देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या टी हाफ दिया हुआ है, मतलब हाफ लाइफ यहाँ पर दिया हुआ है, और हाफ लाइफ कितना दिया, 256 मिनट दिया है, तो इसको आप सेकेंड में करेंगे तो कितना आएगा, 256 इंटू 60 होगा, तो यहाँ से जो ये आपको आ जाएगा सेकेंड में, तो आप इसको ऐसे ही लेके चलिए, डिवाइड मल्टीप्लाई मत करिए ताकि वैल्यू आपका एग्जैक्ट आए। और यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.693 डिवाइड में के। तो यहाँ से हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे, तो के कैसे निकालेंगे, तो के इक्वल टू होगा 0.693 डिवाइड में टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू हमने निकाला है 0.693, और डिवाइड में होगा 256 इंटू 60, तो के की वैल्यू जो आएगा 4.51 इंटू 10 के पावर माइनस 5 पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा के की वैल्यू, है ना। अब के की वैल्यू तो यहाँ से मिल गया, और के की वैल्यू कितना फाइनली आ रहा है, 4.51 इंटू 10 के पावर माइनस 5 पर सेकेंड। तो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमने हाफ लाइफ जो दिया था उससे कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, टी, तो अब हमारा जो गिवन इक्वेशन था उसी का यूज करके हमें टेम्परेचर निकालना है। तो गिवन इक्वेशन जो था क्वेश्चन में गिवन है, वहाँ पर क्या था, इक्वेशन था लॉग के इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 के पावर 4 डिवाइड में टेम्परेचर, तो के की वैल्यू हमें यहाँ पर रख देना है और टी निकालना है। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो के की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, लॉग 4.51 इंटू 10 के पावर माइनस 5, है ना, इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 10 के पावर 4 डिवाइड में टेम्परेचर। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लिए, देखिए लॉग एक्स इंटू वाई, यहाँ पर लॉग एक्स इंटू वाई वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, लॉग
4.51 है ना, और प्लस यहाँ से होगा लॉग 10 के पावर -5। हमने इसको प्रॉपर्टी को ब्रेक कर लिया, और बाकी यहाँ से 14.34 -1.25 × 10 के पावर 4 डिवाइड में टेम्परेचर। तो ये वैल्यू जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसका लॉग निकालेंगे तो आएगा 0.654 और -5। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया, और इसको हम फिलहाल ऐसे ही लेके चलते हैं। तो यहाँ से होगा 14.34 -1.25 × 10 के पावर 4 डिवाइड में टेम्परेचर। तो हमें ये निकालना है, तो इसको एक साइड ले लेते हैं, 1.25 × 10 के पावर 4 डिवाइड में टेम्परेचर इक्वल टू, ये दूसरे साइड आ जाएगा, तो प्लस फाइनली होगा 14.34, ओके, और प्लस आ जाएगा 4.346। ये पूरा जब सिंपलीफाई करेंगे तो यही वैल्यू माइनस में आएगा ना, और इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 18.686, ओके। तो यहाँ से हमें टी निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.25 × 10 के पावर 4 और डिवाइड में आ जाएगा 18.686। और इसको पूरा सिंपलीफाई करेंगे तो आएगा 668.95 टी की वैल्यू। तो फाइनली जो टेम्परेचर मिल के आएगा, इसको अप्रोक्स में करेंगे तो 669 केल्विन। दिस इज अ फाइनल टेम्परेचर जो आपसे पूछा है। तो एक तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, सेकेंड वन इज टेम्परेचर। आपको पहले हाफ लाइफ से के निकाल लेंगे, दे वैल्यू पुटअप करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, अप्रोक्स में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।